नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग YouTube चैनल माई सरकारी न्यूज पे। दरअसल दोस्तों बात उस टाइम की है, अभी एक दो दिन पहले की, यहां पे मुंबई में जब ट्रॉफी चल रही थी जिसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी, वहाँ पे सुरेश रैना ने चौके छक्कों की बारिश कर दी और जो अधिकारी हैं बीसीसीआई के अधिकारी हैं उनको मजबूर कर दिया कि यार ऐसे खिलाड़ी को हमने कहाँ छोड़ दिया, इसको टीम में शामिल क्यों नहीं किया। और इसके बाद आपको पता है यहाँ पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच स्टार्ट होने वाली हैं, सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 3 तारीख को पहला T20 मैच खेला जाएगा फ्लोरिडा के अमेरिका के मैदान पे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के बीच में। 8 बजे से आप देख सकते हो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे इंडिया टाइमिंग के हिसाब से। दूसरा मैच खेला जाएगा T20 4 तारीख को ठीक 8 बजे से। तीसरा मैच खेला जाएगा T20 6 तारीख को। उसके बाद दोस्तों 3 ODI वनडे खेले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और अंतिम टेस्ट मैच यहाँ पे 4 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखने में ये मज़ा आने वाला है कि इस वाली सीरीज को इंडिया जीतती है या फिर दोस्तों वेस्ट इंडीज जीत के ले जाती है। बहुत मज़ा आने वाला है देखने में। और आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताना कि यहाँ पे इस वाली सीरीज को कौन जीत सकती है, इंडिया या फिर दोस्तों वेस्ट इंडीज। अगर दोस्तों आप इंडिया को जिताना चाहते हो नीचे कमेंट में इंडिया जरूर लिखें। अगर आप वेस्ट इंडीज को जिताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में वेस्ट इंडीज जरूर लिखें। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं फटाफट चलिए इस मैटर की कि सुरेश रैना ने यहाँ पे कितने लंबे लंबे छक्के और दोस्तों चौके मारे हैं और कम मारे हैं और दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष को क्यों मजबूर किया है। मगर दोस्तों उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर वाली बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी ऑन कर लेना आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर आप सुरेश रैना को महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए गाइस इस वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बिना समय। तो चलिए गाइस अपन लोग बात कर रहे थे ट्रॉफी के बारे में कि यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन मारे हैं सुरेश रैना ने। दरअसल दोस्तों बात तो 2 दिन पहले की है जहाँ पे दोस्तों मुंबई में विजय हजारे नाम की एक ट्रॉफी चल रही थी, वहाँ पे यूपी वर्सेस केरल के बीच में मैच चल रहा था। सुरेश रैना यूपी के खिलाड़ी हैं, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सुरेश रैना यूपी की तरफ से खेल रहे थे और वहाँ पे उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू किया, यानी कि दोस्तों बैटिंग करना शुरू कर दिया। मात्र 30 बॉलों में बस ओनली यहाँ पे 67 रन अपनी पारी के लिए जोड़ दिए, यानी दोस्तों 67 रन का एक विस्फोटक पारी उन्होंने खेली है जिसमें यहाँ पे 4 चौके प्लस 3 छक्के शामिल हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बस ये बताना है कि टीम इंडिया में सुरेश रैना को 4 नंबर पे शामिल किया जाना चाहिए या फिर दोस्तों नहीं किया जाना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 नंबर का मामला बहुत दिन से चल रहा है, जब से धोनी यहाँ से गए हैं दोस्तों 4 नंबर का मामला सामने ही चल रहा है कि 4 नंबर पे इंडिया में कौन खेलेगा। दोस्तों यहाँ पे ये वाला खिलाड़ी सामने आ सकता है और काफ़ी विस्फोटक पारी भी खेल सकता है। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।